गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल गुरु स्कूल। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के हिंदी का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रियतम। और प्रियतम का अर्थ क्या होता है? प्रियतम का अर्थ होता है प्यारा। जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ऐसे उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन उन्हें निराला कह के उपनाम जो है वो दिया गया है, ओके। अब अगर हम बात करें इसे, जो ये कविता है एक तरह से, लेकिन कविता को इसको कहानी की तरह प्रस्तुत किया गया है और बताया गया कि किस तरीके से जो इसे मृत्यु लोग यानी इस पृथ्वी पे मनुष्य जो हों कैसे हैं और क्या होने चाहिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है? पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। एक दिन विष्णु जी के पास यानी विष्णु भगवान के पास नारद जी पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मृत्यु लोक में यानी इस पृथ्वी पर कौन है आपका भक्त जो पुण्य श्लोक भक्त, पुण्य श्लोक होने का मतलब होता है जिसका चरित्र अच्छा हो, तो वो भक्त कौन है, ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। तो विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम। यानी कहने का अर्थ है, उन्होंने कहा कि एक सज्जन, तो सज्जन कहने का मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति जो कि एक किसान है वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर, यह कहा कि ले सकते हो, तो उसकी परीक्षा, तो विष्णु भगवान ने कहा हाँ उसकी परीक्षा जो है वो तुम ले सकते हो, इसमें मुझे कोई भी समस्या नहीं है, जाओ उसकी परीक्षा ले लो। नारद जी चल दिए पहुंचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वो दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजा फिर नाम लिया, प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। नारद जी क्या देखते हैं, जब वो भक्त के यहाँ पहुँचते हैं तो देखा कि वो दोपहर को हल जोत कर आता है खेतों से, और जैसे ही दरवाजे पहुँचता है उसने राम का नाम लिया, फिर उसने स्नान किया, भोजन किया, फिर काम पे चला गया। जब शाम को फिर वो आता है तो फिर दरवाजे पर आकर वो राम का नाम लेता है, और फिर जब वो प्रातः काल चलते समय फिर एक बार अपने मधुर स्वर में वो मधुर नाम यानी जो राम का नाम है उसे वो याद करता है। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद किया आया। गए विष्णु लोग बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। उसने कहा, नारद जी जो है वो देखे और वो फिर चले गए विष्णु लोक में, और उसने नारद जी ने क्या कहा, मात्र ये तो 3 ही बार आपका नाम लेता है। वो भगवान से जाके बोलते हैं कि मैंने किसान को देखा, वो तो मात्र दिन भर में आपका 3 बार ही नाम लेता है, ठीक है। तो विष्णु भगवान क्या बोलते हैं वो सुनेंगे आप। तो विष्णु भगवान क्या बोलते हैं, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा कि नारद जी मेरे मन में एक कार्य आया है आपके लिए जो आपको छोड़ के कोई नहीं कर सकता है। साधारण विषय यह बात का विवाद होगा, ये जो बात है आप बता रहे हैं किसान के बारे में इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले जो है मैं कार्य आपको बताता हूँ, वो बहुत आवश्यक कार्य है, उसे आप पूरा कीजिएगा। तैल पूर्ण पात्र लेकर प्रदक्षिणा कर आइए, भूमंडल की ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। उन्होंने क्या कहा कि ये तेल से भरा हुआ जो पात्र है आप इसे ले जाइए और इसे भूमंडल पर ले जाइए, और ले जाने के बाद भूमंडल का चक्कर लगाइए, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि इसमें से तेल, इस पात्र में से एक बूंद भी तेल है वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बोले ठीक है, नारद जी जो है वो लेकर चले। नारद जी आज्ञा पर धृत, लक्ष्य एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं।
उल्लास मन में भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। अब वो नारद जी हैं, वो पात्र लेके चले जाते हैं और पूरा विश्व घूमकर वो पर्यटन कर फिर वो बैकुंठ लोक यानी विष्णु लोक में चले आते हैं। उनके मन में तो ये बातें थी कि मैंने तो एक भी तेल का जो बूंद है वो गिरने नहीं दिया, और हो सकता है कि कोई नई चीज़ें जो है, कोई नया रहस्य जो है, वो भगवान विष्णु मुझे वो बताएंगे। जब भगवान विष्णु ने उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे भाव से उन्हें बैठाया और कहा, क्या कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ पात लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? तो भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा बताओ पात जब तुम लिए हुए थे तो कितनी बार तुमने भगवान का नाम जो है वो जपा, कितनी बार जपा? तो नारद जी क्या बोले, एक भी बार नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेते लेता? और विष्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं, एक साथ सबको निभाता है और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से यह प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने जो तुम्हें पात्र दिया था तेल से भरा हुआ, तुमने तो उसे कर लिया लेकिन तुमने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। अब बता उस किसान को भी काम मैंने ही दिया है, दिन भर कार्य करके आता है फिर भी वो मेरा नाम लेता है, मेरा नाम लेने में वो कोई संकुचित नहीं करता है। जिसे सुनकर ये बात, ये विष्णु भगवान बोले, इसीलिए वो मेरा सबसे प्रियतम यानी सबसे मेरा प्यारा है। इस बात को सुनकर नारद जी जो है वो लज्जित हुए और उन्होंने कहा कि हाँ भगवान, ये सत्य बात है, आपका प्रियतम जो है वो वही किसान ही है। अब हम बात करते हैं शब्दार्थ की तरफ। पहला क्या दिया, मृत्युलोक यानी पृथ्वी, पुण्य श्लोक जिसका चरित्र अच्छा हो, प्रधान मुख्य सज्जन, सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति, प्रियतम मतलब प्यारा, स्मरण मतलब याद रखना, पात्र मतलब बर्तन, प्रदक्षिणा मतलब चक्कर लगाना, पर्यटन मतलब घूमना, बैकुंठ मतलब स्वर्ग, उल्लास मतलब खुशी, अवगत मतलब मालूम, इष्ट मतलब भगवान, संकित मतलब शक से भरा, उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी और लज्जित का अर्थ होता है शर्मसार। इसमें कुछ लघुतरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इन लघुतरीय प्रश्न और दीर्घतरीय प्रश्न को आप खुद से करेंगे और जो भी इसमें क्वेश्चन है इसको आप खुद से करेंगे और इसको एज अ होमवर्क के रूप में आप इसे समझेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और हाँ नहीं में उत्तर, तो इन सब को आप जो है वो बनाएंगे और खुद से इसको करेंगे। तब हम अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में, जो हमारा लेसन 2 यानी हिंदी का जो लेसन 2 है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट, इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।